रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। एटा जिले में मानवता को तार तार और शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। जिला महिला अस्पताल के नॉन कोविड वार्ड में भर्ती 92 वर्ष के बुजुर्ग के पैरों में बेड़ियां डालकर बेड से बांधा। 92 साल की उम्र में जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता उसको बेड़ियां डालकर बेड से बांधा गया। एटा में मानवाधिकार आयोग की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। बाबूराम पुत्र बलवंत सिंह उर्फ 92 वर्ष निवासी कूला हाबीबपुर का बताया जा रहा है। इनका नाम किसी पुराने मामले में बताए जा रहे हैं जिला कारागार में निरुद्ध। एटा के महिला हॉस्पिटल के नॉन कोविड वार्ड में भर्ती हैं बाबूराम। कोतवाली नगर क्षेत्र के महिला हॉस्पिटल के नॉन कोविड वार्ड का मामला। आपके महिला जो हॉस्पिटल है सोसैया, उसमें एक बुजुर्ग हैं 92 साल के बाबूराम, उनका बेड़िया लगा करके पैरों में बेड़िया बांध करके उनका इलाज किया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आया है, मैंने जानकारी ली ड्यूटी पर जो फार्मासिस्ट हैं तो उन्होंने बताया जी कि मतलब जो अभी जो ड्यूटी पर जो सेना सुरक्षा कर्मी है जी, जो जेल से या पुलिस कर्मी होंगे संभवतः जी, तो उनके द्वारा अभी मैंने जानकारी की है तो अभी तो निकलवा दिया है जी। लेकिन इससे पहले किन कारणों से उन्होंने बांध रखा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो ऐसे लोगों पर सर कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब इलाज के दौरान 92 साल का जो बुजुर्ग है जी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने संबंधित मतलब जो है उनके उच्च अधिकारी को बोला है, जेल अधीक्षक को बता दिया? नहीं, मैंने उनके जो अभी उनको जो निर्देशन दिया है कि वो अपने जो है हायर ऑफिसर्स को बताएं जी, और इसकी रिपोर्ट वो हमारे प्रशासन में जो उच्च अधिकारी उनको दें कि किन कारणों से जो है उन्होंने ये काम किया है। लेकिन जो अभी ड्यूटी पर कर्मचारी हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं जी, उन्होंने अभी जो है कोई बेड़ी अटकड़ी नहीं लगाई हुई, उन्होंने खोल दिया है जी। हाँ, कब से भर्ती था सर ये मरीज? परसों से। क्या नाम था सर इसका? बाबूराम। उम्र कितनी है इसकी? लगभग 90 साल। तो सर ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है इस तरीके से बांध करके इलाज करना? देखिए, ऐसा है, मैं इस मामले में जो है आपको जो है मुझे लीगल जानकारी नहीं है, लेकिन अमान भी है अगर ये जो है आदमी अगर भागने की स्थिति में होता तो आपको सुरक्षा कर्मियों को ही क्यों लगाया होता जी? और फिर सुरक्षा कर्मी लगाए हुए हैं तो आपका काम सुरक्षा करने का है, तो आपको अटकड़ी बेड़ी लगाने का भी कोई मतलब नहीं होता जी। तो इसका मतलब आपको अपनी सुरक्षा में कोई कमी नजर आ रही, सभी आपने माना जी जी जी। किस जेल में सर ये? मुझे जानकारी नहीं, मेरे यहाँ पे केवल मरीज है, मरीज की बीमारी से मतलब, मरीज की गंभीरता से मतलब, और मेरे को मरीज के इलाज से। अब सर कैसी हालत है उसकी? संतोषजनक।